हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खो खो में होने वाले कुछ माइनर फाउल्स के बारे में, और उसके बारे में हम जानेंगे कैसे उसको दूर कर सकते हैं। स्टूडेंट, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बता दूं आपको कि जो खो खो गेम खेलते हैं उसमें कुछ माइनर से आप जब फाउल कर देते हैं तो उसमें आपका टाइम टेकिंग बढ़ जाती है, और उसमें आपके फाउल होने की वजह से आपका जो टारगेट होता है वो अचीव नहीं हो पाता है। आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो अटेम्प्ट करने की कोशिश करने हैं, आउट करने की कोशिश करते हैं प्लेयर्स को, जल्दी से आप आउट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें करना क्या है आपको, देखिए जब कभी भी हम ये गेम कभी सीखते हैं तो हमें हमेशा पहले फाउल के बारे में सिखाया जाता है, और फाउल में कुछ ऐसे ऐसे माइनर चीजें होती है जो आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, जिससे आपके जो फाउल हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और आपका जो गेम का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है, और आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कुछ ऐसे जो माइनर फाउल है वो कैसे दूर करने हैं। तो स्टूडेंट, पहला जो फाउल है वो आपका है खो पास, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है आपका लाइन कट, चौथा है आपका अर्ली अप। तो मेनली स्टूडेंट, ये जो चार फाउल है बहुत ज्यादा कॉमन से फाउल हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं खेलने के टाइम पे। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको ये बेसिक स्टार्ट से आपको सीखने हैं सारे के सारे फाउल, कि ये पहले गलती जो है हमें नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां जो है नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका गेम और अच्छा हो जाए और आपकी टीम जो है जल्दी से विन हो जाए ड्यूरिंग द टाइम। सबसे पहले बात कर लेते हैं खो पास की। स्टूडेंट, होता क्या है खो पास करने में, तो एक तो आपके जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपका जो स्टूडेंट्स, आपका जो साथी है वो प्लेयर बैठा होता है, और जब आप किसी को खो पास करते हैं तो सबसे मेन आपको ये ध्यान देना होता है कि जब कभी आप किसी को खो पास कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर एक तो सेटिंग पोजिशन में बैठा हुआ हो। दूसरी चीज है कि आप जब खो बोलते हैं तो आप उसके पीछे आकर ही खो बोलें जहां वो बैठा हुआ होता है। एक पैर जो आपका स्क्लॉबी के अंदर होना चाहिए, एक आपका हाथ जो है उसकी पीठ पर टच होना चाहिए, दूसरा जो है आपका तीसरा जो पॉइंट है आपका उसमें आपको खो बोलना है। ठीक है, तीन चीज, तीन पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक तो आपका जो पैर है, एक आपका पैर यहां होना चाहिए, दूसरा उसका आपका जो हाथ है उसकी पीठ पर होना चाहिए, और तीसरा आपका लाउडली खो बोलना है। अगर उससे पहले ये पर्सन अगर उठ जाता है तो रेफरी उस कंडीशन में भी वो फाउल की विसल कर देगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब तक ये तीनों चीजें अप्लाई नहीं होती हैं तब तक आप उठ जाते हैं या फिर रेफरी देख लेता है तो वो आपको फाउल की विसल कर देगा, जिससे आपका वो फाउल हो जाएगा, देन उसको बैक आकर आपको खो फिर से देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये करना है। दूसरा है डायरेक्शन। सबसे ज्यादा फाउल होने वाला खो खो में यही है, क्योंकि इसमें शोल्डर जो है उसकी डायरेक्शन अगर आपकी चेंज हो जाती है तो फाउल हो जाएगा, अगर आप आगे जाके पीछे आ जाते हैं तब भी फाउल हो जाएगा, आप उठने से पहले लेफ्ट जाते हैं फिर राइट भागने लगते हैं ये भी एक फाउल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा फाउल जो होता है प्लेयर्स का डायरेक्शन में ही होता है। एक तो मेन आपका हो गया खो पास करने का, दूसरा होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जब तक आप सही से नहीं लेंगे फाउल हमेशा होता रहेगा। आप कितना भी गेम स्पीड से खेल लें मगर आप फाउल करोगे तो विसल बचती रहेगी, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और रनर जो दौड़ रहा होता है उसको रेस्ट करने का चांस जल्दी मिल जाएगा। तो देखिए करना क्या है आपको, जब कभी आप चेजिंग कर रहे होते हैं, जब आप बैठे होते हैं तो करना क्या है, जब आपको खो मिलता है तो खो मिलने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ना है। ये जो लॉबी दी हुई है इसीलिए दी हुई है, जब कभी रनर अगर मूवमेंट कर रहा हो लेफ्ट या राइट में, सपोज करिए ये रनर यहां खड़ा हुआ है, चेजर को खो मिलता है, खो मिलने के बाद वो डायरेक्ट अगर डायरेक्ट यहीं से अगर मूव कर देता है तो रनर के पास ये चांसेस रहते हैं वो राइट जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, वो आगे की तरफ जा सकता है और वो पीछे की तरफ भी आ सकता है।
लेकिन आपके पास क्या सिर्फ डायरेक्शन का एक रूल्स रहता है कि आपको सिर्फ डायरेक्शन में ही उसको आउट करना है। तो करना क्या है आपको, जब आपको खो मिले तो आप दोनों अपने हाथों को सीधा स्ट्रेट करिए, ज्वाइंट कर लीजिए, अपने शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेट रख लीजिएगा। बस अपने आई से जो है उस रनर को देखे रहना है। जैसे आप उसको लॉक कर लेंगे, लॉक करने के बाद आप उसमें स्टेप बनाइए 1 2 3 4। जैसे ही वो आपके नियरेस्ट आने की कोशिश करता है, कहने का मतलब ये, अगर कोई मूवमेंट नहीं करना है, अगर ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप स्टेप लीजिए उसकी तरफ जाने के लिए। आप डायरेक्टली यहां से मूव मत करिए, अगर यहां से अगर मूव करोगे तो ये क्या करेगा, वो लेफ्ट राइट भाग जाएगा, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप पीछे तो आ नहीं सकते हो, या फिर आप राइट तो जा सकते हो लेकिन लेफ्ट नहीं आ सकते हो। तो इससे आपको ये बचना है। तो आपको क्या सिंपली क्या करना है, दोनों हाथों को ज्वाइन करिए, स्टेप बनाइए और उसके नियरेस्ट आने की कोशिश करिए। अगर नियरेस्ट अगर आ जाते हैं फिर उस पर आप अटैक करने की कोशिश करिए, अगर नहीं अगर हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, तुरंत आप आके अपने बगल वाले को आके पास कर दीजिए। ध्यान रखिएगा डायरेक्शन बहुत जरूरी है, अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो दिक्कत होती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी खून मिलता है अगर आप राइट साइड मूव कर जा रहे हैं तो आपको राइट साइड ही आप किधर भी मूव कर सकते हो, आप किसी साइड भी मूव कर सकते हो। ध्यान रखिएगा इसमें आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, अगर दौड़ रहे हैं दौड़ते समय अगर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं तो ये फाउल होता है। अगर आपने किसी को टच कर लिया, टच करने के बाद पीछे मुड़ के आप देखने लगते हैं उसको, मतलब पीठ आप चेंज कर देते हो, तब भी ये फाउल होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, आपको आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ नहीं देखना है मुड़ के। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आपको डायरेक्शन सिर्फ एक ही साइड लेना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अगर आप देखोगे तो फाउल हो जाएगा। देन उसी के साथ आपको किसी तरह की शाउटिंग नहीं करनी है, जब कभी आप जब दौड़ रहे होते हैं तो आपको शाउटिंग नहीं करनी है, जिससे रेफरी वार्न कर देगा आपको कि फाउल ये वायलेशन जो है मत करिए, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है। आई स्टूडेंट डायरेक्शन समझ गए होंगे कि डायरेक्शन आपको सिर्फ एक ही चीज में जाना है, आपको लेफ्ट राइट नहीं जाना है। अगर देखिए इसमें एक स्टूडेंट एक काम और हो सकता है, अगर जब कभी आप किसी को चेस कर रहे होते हैं, चेस करने की वजह से आप लेफ्ट पैर बाहर निकालते हैं, सपोज करिए जो आपका रनर है वो इस साइड मूव करता है, ठीक है, तो आप इस तरह तो मूव कर सकते हैं, ठीक है। जब कभी ऐसा क्या होता है कि जैसे रनर जो होता है, रनर जो इस साइड मूव कर रहा है, तो आपका पहले पोजीशन आपकी यहां पर थी, आप यहां आ गए, तो आप जो है उसकी तरफ चेस डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका जो फेस है वो सामने तरफ रहना चाहिए, और आप हल्के हल्के दोनों फेस सामने हैं और आप एक स्टेप स्टेप करके लेके आप आ रहे हो उस तरह, जैसे कि आप दौड़ रहे हो सीधे फेस, आप दोनों हाथों को सीधे ओपन कर लीजिए और आपको पीठ उधर मूवमेंट ना करके आप से लेफ्ट से राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा फेस जो है, शोल्डर जो है वो किधर रहेगा, सामने की तरफ रहेगा, तो आप ऐसे मूव कर सकते हो जिससे कि आपके जो डायरेक्शन है, जो शोल्डर का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिए मेनली इसी में क्या है, हमारा जो शोल्डर का जो डायरेक्शन है वो अगर चेंज हो जाएगा रेफरी वहां पर विसल कर देगा, इस चीज का खासकर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है लाइन कट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और क्योंकि जब ये गेम बहुत तेजी से खेला जा रहा होता है तो लाइन कट हमारी सबसे ज्यादा होती है। क्या होता है कि जब खूब पास दे रहे होते हैं, जो चेजर बैठा हुआ होता है वो तेजी से उठता है और जब बैठता है तो उसमें फाउल ही ज्यादा होता है। अगर दौड़ते समय आप सेंटर लाइन को कट कर लेते हैं, या फिर जब आप किसी को चेज कर रहे होते हैं तब आप लाइन कट कर देते हैं, तो ये इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होती है। तो लाइन कट का आपको खासकर ध्यान रखना है, जब कभी भी आप यहां से आसपास दौड़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलिएगा, जिससे आप दौड़ते समय वो लाइन जो है वो कट आपसे टच ना हो पाए। लाइन कट का मतलब यही होता है, दूर रहना है और उसके पास जो है कोशिश कर सकते हैं, इनकेस अगर टच आउट हो भी जाती है, अगर रेफरी अगर नहीं देख पा रहा है तो ये रेफरी का फॉल्ट रहेगा, नहीं अदरवाइज आपका ये फॉल्ट रहेगा। तो ध्यान रखिएगा आपको लाइन कट नहीं करना दौड़ते समय। नेक्स्ट आपका अर्ली अप, आपका जो अर्ली अप है देखिए उसमें होता क्या है कि अर्ली अप जैसे मान के चलिए आपका जो रन एक्टिव चेजर है दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि बस खो देने ही वाला है, बगर वो उसको टच कर नहीं पाता है, पैर उसके पीछे आ नहीं पाता है, हाथ से टच हो नहीं पाता है और वो खो नहीं बोल पाता है, तो उसमें वो कंडीशन में होता है कि जो बैठा हुआ चेजर होता है, जो रिलैक्स चेजर होता है, वो तेजी से उड़ जाता है और उड़ जाने के बाद मूवमेंट करने लगता है, तो रेफरी जो है उस कंडीशन में भी वो आपको फाउल दे देगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि प्रॉपर जो हमने तरीके बताए हैं आपको वो अच्छे से जान लें, अदरवाइज फिर आपके फाउल्स नहीं होंगे।
नहीं तो क्या करेंगे, पूरा गेम तो खेलेंगे आप, पूरा स्पीड से खेल रहे हैं, आपने पूरा एनर्जी लगा रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन अगर ये जो मेनली फाउल्स अगर ये हो जा रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम प्राप्त होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली विसल बजती रहेगी, क्योंकि खो खो एक ऐसा गेम है जिसमें फाउल सबसे ज्यादा होते हैं। आप उसमें क्योंकि इसमें बहुत से मायने मायने से पॉइंट ऐसे रह जाते हैं जिससे कि फॉल्स होने चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये चीजें समझनी है आपको। अगर मेनली ये कुछ चीजें फॉल्स हैं अगर आप अच्छे से डिस्कस कर लेते समझ लेते हैं तो ये आपको आसानी रहेगी आपको पूरे गेम को खेलने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ है मेन फॉल्स के बारे में बता दिया मैंने आपको, बाकी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। बाकी अगर कोई कमेंट है इस फाउल से रिलेटेड कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।